तो गाइज अब है आप सभी का राजनीति का पेपर एंड इसको लेकर आप लोग बहुत उसमें हो कि यार अभी तो इंग्लिश का पेपर देखे एंड एक ही दिन में, एक दिन भी कहाँ, मतलब 8-10 घंटे हैं उसमें राजनीति पढ़ना है। एंड अब ये चाहते हैं भैया कि हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जो बिल्कुल फिक्स, हम लोग एग्जाम देने जाए ना तो हमें बस यही क्वेश्चंस मिले, तो कितना मजा आएगा ना कि मतलब जो अभी पढ़ के गए वही देना अपन को, एग्जाम में रखे मिल गए। ओके तो फाइनली बात आती है कि क्वेश्चंस कहाँ से लें, तो गाइज ये रहे क्वेश्चन। देखो ओटी जो आपके एमसीक्यू हैं ये तो यार बदलते रहते हैं एंड हर शहर में अलग अलग पेपर आ रहा है तो बदले हुए पेपर भी आ सकते हैं। ओके तो ये रहे क्वेश्चंस, बार्लिंग की दीवार कहाँ है। ओके ये क्वेश्चंस आप लोग इंग्लिश का पेपर कितना अच्छा गया आपके कॉमेंट्स, अच्छा मैं कॉमेंट्स चेक कराता हूँ। ओके आप लोग कमेंट चेक कर सकते हो, सभी लोगों ने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया कि जो पढ़ा था वही पेपर आया। यस सर बिल्कुल सेम नहीं था पर 90% सेम था सर, थैंक यू सो मच। तो यार 90% फुली सेम तो होता है। थैंक यू सो मच, आज का पेपर में मज़ा आ गया। थैंक यू सर, आज का पेपर सिर्फ आपकी वजह से अच्छा गया। सॉरी भैया बट आज का पेपर बहुत अच्छा गया। थैंक यू, सॉरी किस लिए। ओके चलो नेक्स्ट है। सर थैंक यू, आप जैसा चैनल कोई नहीं, नंबर वन टॉपर सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड गाइज आप सभी के देखो यहाँ पर भी राजनीति शास्त्र के क्वेश्चन पेपर लिख लिए हैं एंड इसके बाद यहाँ पर आपकी पीडीएफ भी बना ली है, सॉल्यूशन भी बन गया है। बस आपको क्या करना है, पहले तो क्या ट्राई करेंगे हम कि आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दें। एंड क्योंकि अब देखो अगर हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने बैठे तो वीडियो बनाने में कितना टाइम जाएगा, अप्रॉक्स 4-5 घंटे सॉल्यूशन लिखो और या फिर ढूंढो तो 1-2 घंटे तो लग जाएगा ना, और उसके बाद फिर वीडियो बनाओ तो 1-1.5 घंटा एडिटिंग करो फिर अपलोड करो तो टाइम जाएगा। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि पहले अपन आपको क्वेश्चन बता देंगे, आंसर थोड़ी देर में बता देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एक एक करके अच्छे से देख लेना है, उसके बाद फिर आपके आंसर आ रहे हैं। एक कॉपी लो तो उसमें लिख लो कि बार्लिन की दीवार क्या है, कुछ इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को लिख लो, ठीक है, कुछ इस तरीके की, छठवा का पहला दूसरा फिर सातवा का बार्लिन ऐसे अथवा वाले में, और फिर आंसर्स आपको जितने मिलते हैं तो ठीक है, बाकी फिर अपने आंसर्स की वीडियो तो आ ही रही है अगर आप लोग कमेंट्स करोगे। अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे आपको अगर विदाउट आंसर्स के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके चलो यहाँ पर बार्लिन की दीवार क्या है, फिर उसके बाद और जूम कर लेते हैं ना। ओके फिर उसके बाद सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कौन सी थी, फिर नी शस्त्रीकरण क्या है, अथवा में है मानव फिर एक है मानव अधिकार किसे कहते हैं, आठवां क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके अथवा में है कि साक्षा प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी, उसके बाद नौवां क्वेश्चन है वैश्वीकरण की दो आर्थिक प्रभाव लिखिए, व्हाट टू इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोजन का अर्थ व परिभाषा लिखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में बॉम्बे योजना क्या है, व्हाट इज बॉम्बे प्लान, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन विदेश नीति क्या है, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, अथवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्या है, व्हाट इज पीसफुल कंसिस्टेंस, 12वां क्वेश्चन है सिंडिकेट से क्या तात्पर्य, व्हाट इज मीन ऑफ सिंडिकेट, अथवा में है गैर कांग्रेसवाद किस सिद्धांत पर टिका था, नॉन कांग्रेसिज्म वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस सेंसरशिप क्या है, व्हाट इज प्रेस सेंसरशिप, अथवा में है वा संविधान संशोधन क्या है, व्हाट इज 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वात्व क्या है, व्हाट इज ऑटोनॉमी, नेक्स्ट है राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म, गठबंधन सरकार क्या है, व्हाट इज कॉलिजन गवर्नमेंट, अथवा में सत्ता के विकेंद्रीकरण क्या है। ओके चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सोवियत अर्थव्यवस्था एवं अमेरिका अर्थव्यवस्था में कोई 3 अंतर लिखिए, आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्यों के नाम लिखिए, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख 4 चुनौतियों को लिखिए, उसके बाद एक और कुछ क्वेश्चन और बचे हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए, एक्सप्लेन द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, उसके बाद 19th क्वेश्चन है चिपको आंदोलन व डाडी विरोधी आंदोलन पर संक्षिप्त नोट लिखिए, उसके बाद इसी का अथवा है ना सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है लिखिए, 20वां क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के विकास के इसमें
सार्क देखो, ओके, मतलब ऐसा भी होता है सार्क देखो की योगदान की व्याख्या करिए, यानी कि एक ये कंट्री थी सार्क कंट्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशिया, ओके। चलो नेक्स्ट है ताशकंद समझौता क्या है, समझाइए। बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, आपको स्पीड बनाए रखना होगा और इस बहुत स्पीड के साथ आपको पेपर करना होगा, ओके। लगता होगा कि आर्ट सरल है, वैसे मेरी नज़र में ना आर्ट सबसे डिफिकल्ट मतलब सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें इतना लिखना पड़ता है, एंड हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो कन्फर्म क्वेश्चन रहते हैं कि यार ये आ जाने, एंड देन थोड़ा सा लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद अपना आंसर रखा मिलता है, ओके। लेकिन इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। एक सेकंड गाइस, मासी का फोन आ गया था, अब डांट पड़ने वाली है, कट गया। चलो क्वेश्चन नंबर 22, भारत के विदेश नीति का आधार क्या है, समझाइए। उसके बाद भारत की विदेश नीति देश की समृद्धि का आधार की व्याख्या कीजिए। फिर 23वां क्वेश्चन है अलगवादी आंदोलन देश के विकास में बाधक है, समझाइए। उसके बाद राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है, व्याख्या लिखिए, ओके। चलो इसको बंद कर दो गाइज। ये क्वेश्चन अगर आप सभी ने कंप्लीट कर लिए तो कल के पेपर में तो पहली बात ये रखे मिलने वाले हैं, चाहे आपका कोई भी शहर से कोई भी पेपर आता है, इट डजेंट मैटर, ओके। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और आंसर्स के लिए कमेंट कर देना, अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिए तो आपको आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ओके। एंड गाइज हम लोग लास्ट टाइम पर हर शहर के पेपर डाल लेते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।